राधे कृष्ण लेट्स टॉक होम में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए पान के लड्डू लेकर आई। आइए दोस्तों जानते हैं पान के लड्डू कैसे तैयार किए जाते हैं। पान के लड्डू के लिए हमें एक कप से थोड़ा सा ज़्यादा ये नारियल का चूरा लिया है। ये चार पत्ते पान के हैं, ये कलकत्ता का पान है और ये काजू हैं जो मैंने काट लिया है छोटे छोटे टुकड़ों में। ये सौंफ है, ये गुलकंद है, गुलकंद 2 चम्मच है और ये बादाम है बारीक कटा हुआ, ये बारीक कटा हुआ पिस्ता। मिल्क पाउडर लिया है, मिल्क पाउडर मैंने 1.5 बड़े चम्मच लिया है और इसे मैंने दूध में घोल लिया है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, करना चाहते हैं तो आप इसकी जगह पर कंडेंस मिल्क भी ले सकते हैं। आइए दोस्तों अब ये गुलकंद में हम ये सब ड्राई फ्रूट्स मिलाकर पहले तैयार कर लेते हैं। ये सौंफ है, ये मैं गुलकंद में डाल रही हूँ। ये काजू है, ये भी मैं गुलकंद में डाल रही हूँ। ये हम जो हमारे लड्डू बनेंगे उनकी स्टफिंग है, ये स्टफिंग तैयार कर रहे हैं। और ये पिस्ता है, ये भी मैं गुलकंद में डाल रही हूँ। और ये बादाम, और इन सबको मिला के हम पहले साइड में रख देंगे। ये गुलकंद मैंने 1 चम्मच लिया है, आप इसकी मात्रा घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, जैसे आपको स्टफिंग, जैसे आप लड्डू बना रहे हैं उसी हिसाब से आप स्टफिंग तैयार कर लेंगे। अगर आपको लगे कि गुलकंद कम लग रहा है 1 चम्मच तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। ये मैंने स्टफिंग इसकी तैयार कर लिया, अब हम इसे साइड में रख देंगे। ये पान के पत्ते हैं जो अब हम इन्हें बारीक काट काट के मिक्सी में पीस लेंगे। ये मैं बारीक काट रही हूँ और हम इसे बारीक काट के हम ये जो हमने कंडेंस मिल्क बनाया है मिल्क पाउडर का, ये हम इसको पान के पत्तों को बारीक काट के मिक्सी में इसके साथ पीस लेंगे। ये आप कैंची से भी काट सकते हैं, नाइफ से भी काट सकते हैं, जैसे आपको सहूलियत लगे वैसे काट लीजिए। ये मैंने 4 पान के पत्ते लिए हैं। ये हमारे पान के पत्ते कट गए हैं और अब हम ये जो हमने मिल्क पाउडर का कंडेंस मिल्क मिलाया है बनाया है इसे हम इसमें डाल के और मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। इसको बिल्कुल बारीक पीस लेंगे, बिल्कुल इसका इसमें जो हम ये पीसेंगे इसमें पान के पत्ते के पीसेस नहीं रहने चाहिए। देखिए फ्रेंड्स ये हमारा पीस गया है और अब हम इसमें बिल्कुल 1 पिंच हम ग्रीन कलर डालेंगे इसमें, जिससे इसमें ग्रीन कलर आ जाए और इसको चम्मच से चला दें। और अब हम गैस पे ये मैंने इसको ऐसे हिला दिया है, ये देखिए इसका कलर थोड़ा डार्क ग्रीन हो गया है, इससे हमारे लड्डुओं पे कलर ग्रीन कलर का अच्छा आएगा। ये देखिए आइए अब हम ये गैस ऑन करते हैं अपनी, ये गैस ऑन कर रहे हैं हम अपनी और हम इसमें अपना इसमें मैंने 1/2 चम्मच घी डाला हुआ है और अब हम इसमें ये अपना गोला भूनेंगे। जो हमारा ये गोले नारियल का जो चूरा है हम इसे भूनेंगे, इसका कलर चेंज नहीं करेंगे हम, इसे सिर्फ इसे थोड़ा क्रिस्पी करेंगे, थोड़ा इसमें से जो मॉइस्चर होगा उसे निकाल लेंगे। समय
अब इसे मीडियम गैस पे आप इसे थोड़ी देर गर्म कीजिए। अब ये हमारा गोले का चूरा, अब हम इसमें ये अपना जो हमने पान का पेस्ट बनाया था कंडेंस मिल्क के साथ, हम इसमें लगा हमने गैस बंद कर दिया नीचे से। अगर ये आपको थोड़ा सा गाढ़ा लगे या ऐसा लगे कि ये इकट्ठा नहीं हो रहा है तो आप इसमें हल्का सा दूध भी डाल सकते हैं। देखिए वैसे ये इतने में ही इतनी बाइंडिंग हो जाएगी इसकी। ये हमने कढ़ाई में से निकाल लिया और हम इसमें एक बड़ी चम्मच बूरा मिला रहे हैं। बूरा मिलाने के बाद हम इसमें स्टफिंग करेंगे। अगर आपको आप टेस्ट करके देख लीजिए, अगर आपको मीठा ठीक लगता है तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं मीठा, बट मुझे इसमें कम लग रहा था इसलिए मैंने इसमें बूरा मिला। देखिए अब हमारा ये बाइंड हो रहा है और हम अब इसमें स्टफिंग करेंगे। ये हम थोड़ी थोड़ी स्टफिंग जो हमने गुलकन के साथ की ड्राई फ्रूट मिलाए थे वो स्टफिंग। बाइंड कर रहे हैं हम इसे, हल्के हाथों से आप इसे दबाते हुए बाइंड कर लीजिए। आप इन्हें चाहे तो मोदक की शेप भी दे सकते हैं, प्लेन लड्डू की भी शेप दे सकते हैं, आप कोई भी शेप दे सकते हैं जो आपको पसंद। ये देखिए, ये देखिए, ये मैंने एक लड्डू बना लिया है और मैं इसे गोल कर, देखिए फ्रेंड्स ये ऐसे हमें बनाना है। तो ऐसे ही हम सारे अपने लड्डू तैयार कर लेते हैं। आइए देखिए फ्रेंड, ये मैंने लड्डू बना के और ये जो हमारा बूरा है इसमें हमने गार्निशिंग से कर दी है जिससे ये देखने में और भी सुंदर लगे। देखिए और मैंने ये यहाँ पे, आप इस पे चाहे तो चेरी भी लगा सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए।